नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एलडीसी भर्ती, लैब असिस्टेंट, रीट और अन्य भर्तियों को लेकर के आज की जो न्यूज़ है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। उपेन यादव ने अभी एक ट्वीट किया है, एलडीसी भर्ती 2018 दस्तावेज सत्यापन को लेकर 3 दिसंबर को शाम 5 बजे सचिवालय में होगी मीटिंग, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। फार्मासिस्ट भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति एवं आवेदन प्रक्रिया के आदेश इसी वीक में 1-2 दिन में जारी हो जाएंगे और प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम आने में थोड़ा समय और लगेगा। तो दोस्तों, लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आने में थोड़ा समय और लग सकता है, 1 दिसंबर के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नई रीट भर्ती की परीक्षा 4 मई-5 जून में कभी भी होने की संभावना है। बेरोजगारों की विभिन्न भर्तियों की मांगों को लेकर सब कमेटी का गठन करने की घोषणा सरकार ने की है, उसमें कैबिनेट मंत्री बी डी कल्ला जी, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी एवं सुभाष गर्ग जी हो सकते हैं सदस्य। उपेन यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।